हेलो, गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीएमए फाउंडेशन का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो हम आज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं इसके। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द एज ऑफ टू पर्सन्स, द एज ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ द एज ऑफ द यंगर पर्सन इज 8 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द यंगर पर्सन इज 8 ईयर्स लेस देन द अदर देन द एज ऑफ द एल्डर पर्सन। अब यंगर का मतलब होता है छोटे पर्सन की एज जो है वो बड़े वाले से 8 ईयर्स कम है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो मुझे दे रखा है 4:3। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 1। और वो डिफरेंस 1 किसके बराबर है? 8 ईयर्स के, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है उन्होंने कि उनके बीच में एज डिफरेंस है 8 ईयर्स का। तो एक रेशियो किसके बराबर है? 8 के। तो 4:3 हो जाएगा किसके? 4 × 8 किसके बराबर? 32 ईयर्स। क्योंकि मुझे किसकी निकालनी है? एल्डर पर्सन की एज निकालनी है, तो एल्डर पर्सन की लिए रेशियो बड़ा है 4। तो 4 × 8 = 32। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। 15 आदमी जो है 8 घंटे में, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 25 डेज में टोटल काम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 15 मैन 8 आवर्स 25 डेज में एक काम कंप्लीट करेंगे। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। कौन सा प्रोपोर्शन है? मैन जो है वर्क करता है तो उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ मैंस आवर्स और डेज होते हैं उनको ऊपर न्यूमरेटर में कर लेते हैं और टोटल वर्क को नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो फाइंड हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 12 मैन, 12 मैन 10 आवर्स में हाउ मेनी डेज। मान लिया मैंने एक्स डेज में एक उसी सेम काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स यहाँ पर, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। 4 से अगेन ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 5 जा 25 रहा यहाँ पर, वहां पर रहा एक्स। तो इसका मतलब 25 जो है डेज में वो वहां पर काम कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 12 मैन, क्योंकि यहाँ पर आदमी कम हो गए हैं लेकिन नंबर ऑफ डेज मतलब सॉरी जो आवर्स है 10 आवर्स एक दिन में वो बढ़ गए, तो इसलिए वही 25 डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो 2 नंबर के लिए मीन प्रपोर्शन बताया था मैंने, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है √AB। तो यहाँ पर ए किसके बराबर है? 0.20। बी बराबर है 0.05 के। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.20 × 0.05, और इनका जब स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं तो वो मुझे मिलेगा 0.1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन डिपोजिटेड 1000 इन ए बैंक एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, एक साल का ईयर इंटरेस्ट जो है उसका कितना हो गया? 1000 का 4% हो गया 40 रुपीज। अब वो बोल रहा है 10 ईयर्स के लिए, तो 10 साल के लिए उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो हो गया 400 रुपीज, 400 रुपए। तो टोटल वो अमाउंट कितना पे करेगा 10 साल के बाद में? 1000 + 400, 1400 रुपीज वो पे करेगा 10 साल के बाद में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5th है और वो ये कहना चाह रहा है, ए सम ऑफ 10,000 डिपोजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल्स इन 5 ईयर्स। मतलब जो अमाउंट है वो 20,000 हो गया, सपोज डबल हो गया 10,000 का, ठीक है। 1 + R, यही फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ठीक है। कितने? 5 ईयर्स में यहाँ पर। तो ये इसका डबल हो गया, मतलब 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है 20 साल के बाद में यही जो पैसा है 10,000 वो कितना हो जाएगा? तो मैं क्या करता हूँ, इसका 4 टाइम्स यहाँ पे मैंने कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे 20 साल का निकालना है। तो 4 टाइम्स करूंगा तो ये 1 + R/100, 5 4 जा कितना होगा? 20, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा 2 की पावर में 4, विच इज 16, ठीक है। तो मतलब पैसा जो है अपना 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 10,000 का 16 टाइम्स जो होता है वो होता है 1,60,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 7th टर्म मुझे निकालनी है इसकी। तो सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे तीन तीन का डिफरेंस चल रहा है, तो 2 5 8 11 14, फिर आ जाएगी 17, फिर 20, सिंपल सी चीज है, फिर 23। तो 7th टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। 7th टर्म इज 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7th टर्म इज द 20।
ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि छोटी सी सीरीज है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। एट टर्म मुझे निकालनी है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 128 इसका हाफ है 64, इसका हाफ है 32, तो हाफ हाफ चल रहा है यहाँ पर। तो ये 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/2, इस तरह से चीजें चलेंगी। तो मुझे 8 टर्म पूछी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट, 8th टर्म हो गई यहाँ पर 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इट टेक 4 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर, तो एक ही स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, 80 किलोमीटर, वो 4 घंटे ले रहा है कवर करने में। तो यहाँ पर एक ही स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम यदि मैं बी के लिए बात करूं, तो बी जो हो रहा है 80 किलोमीटर को कवर करने के लिए 5 घंटे ले रहा है, तो बी की स्पीड आ रही 16 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस वुड ए कवर मोर देन बी, तो ए जो है बी से कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा यदि मैं दोनों को 15 आवर्स दे दूं, 15 घंटे में उन दोनों को यहाँ पर चला दूं। तो ए जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 घंटे में कितना जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगा। सेम बी की यदि बात करूं, तो बी जो है 16 × 15 ये कितना आ जाएगा, 09, और ये 240 किलोमीटर बी आ जाएगा। तो कितना ज्यादा चला ए उससे, 60 किलोमीटर ज्यादा चल लिया ए। तो ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये पी सिमेट्रिक क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी माइनस क्यू, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, पी माइनस क्यू यूनियन क्यू माइनस पी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इफ सेट्स ए 2 4 6 और बी दिया हुआ है 2 3 5 एंड सी दिया हुआ है 1 2 5 6, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी इज। तो सबसे पहले तो बी और सी के बीच में कॉमन देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन थिंग्स होती हैं लेना, तो बी और सी के बीच में जो कॉमन आएगा वो आएगा यहाँ पर 5 और 2, 2 और 5 यहाँ पे दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। फिर उसको मुझे ए के साथ में यूनियन करना है, किसको, 2 और 5 को। ठीक है, तो ए में ऑलरेडी 2 दे रखा है, 4 5 और 6 दोनों का यूनियन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 2 4 5 6 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। नाउ 11 में यदि मैं बात करूं, तो डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है या पढ़ाई गई है मेरे द्वारा, वो है कि बेस यदि इक्वल है तो उनके इंडेक्स भी इक्वल होंगे। तो 2x + 4 बराबर में 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू सिंपल से यहां से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी उस फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पर log 10 base 7 दिया हुआ है ए, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी चीज है, मैं इसको m/n की प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरह से कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, 0 माइनस, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर m/n की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, किस तरीके से, 70 को मैं लिख दूंगा 7 × 10। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, -log 10 7 -log 10 10, जिसकी वैल्यू होती है 1 और 7 की वैल्यू मुझे a दे रखी है, तो -a - 1, माइनस कॉमन लेने पर क्या बचेगा, a + 1, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, इसमें कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा 3 log 2x की वैल्यू, रह जाएगी 2 की पावर 1 मतलब 2। फिर ये 3 जो है यहाँ नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो log 2x जो है वो रह जाएगा 3 की पावर में 2, विच इज होता है 9 यहाँ पर। फिर ये 2 जो है ये चला जाएगा बेस में और 9 चला जाएगा ऊपर, तो x = 2 की पावर 9 आ जाएगा, विच इज 512। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 512 फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यहाँ पर 10p यार मुझे 720 दिया हुआ है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ पर r की। तो मैंने फॉर्मूला बताया है, 10p r का होता है n फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल, और 10 - r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए 720 दिया हुआ है, 720 को मैं लिख सकता हूँ 6 का फैक्टोरियल होता है 720। तो यदि मैं यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर में चेक करूँ, सॉरी न्यूमरेटर में चेक करता हूँ, तो ये रह जाएगा 10, 9, 8 और 7, 6 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल टू में आ जाएगा 10 - r का फैक्टोरियल, राइट, ये हो जाएगा। अब यदि मैं इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर, तो मुझे क्या मिलेगा, 9 8 = 72, 72 × 7, 72 × 7 मुझे मिलेगा
504, और 10 ऑलरेडी है तो 5040, मतलब इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे 7, 8, 9, 10 को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 5040, विच इज 7 फैक्टोरियल। 5040 जो होता है वो 7 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने पर मुझे क्या मिलेगा, 7 फैक्टोरियल बराबर 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये मुझे मिला इक्वल टू का मतलब फैक्टोरियल है, तो ये कंपेयर कर लूंगा मैं यहाँ पे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो में 7 तरह के कलर्स होते हैं विप्योर, VIBGYOR। अब वो ये बोल रहा है मुझे कि रेड एंड ब्लू कलर जो है आर ऑलवेज सेपरेटेड, इनको हमेशा क्या रखना है, सेपरेट रखना है, कभी इकट्ठा नहीं रखना है। तो देखो सबसे पहले तो इन सभी को डिफरेंट मान के अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फैक्टोरियल हो गए। इनमें से मैं उल्टा इन दोनों को साथ में रखने का माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, जिनमें ये दोनों साथ में नहीं है मतलब सेपरेटेड है। तो कौन कौन से साथ में है, रेड एंड ब्लू, तो रेड ये रहा और ब्लू ये रहा। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को एक कंसीडर करते हैं, तो कितने रहे मेरे पास लेटर, अब कलर कितने रहे, 1, 2, 3, 4, 5, और ब्लू एंड रेड को 1 मानूंगा, तो 6 फैक्टोरियल। एंड मल्टीप्लाई में ये ब्लू एंड रेड की जगह रेड एंड ब्लू भी हो सकता है, तो यहाँ पर इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा ब्लू और आर के, क्योंकि आगे पीछे भी हो सकते हैं ये, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। इसको जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 3600, 3600 मुझे यहाँ पर मिलेगा सोल्व करने पे, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 7 माइनस का 2, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 मल्टीप्लाई में 5, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3600 मेरा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देयर आर 7 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 2 आर डिफिकल्ट, टोटल 7 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्या है डिफिकल्ट है, 2 उसने बोल दिया यहाँ पर डिफिकल्ट है। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 4 क्वेश्चंस सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, तो उसको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 2 तो रहने चाहिए डिफिकल्ट वाले, तो 2 डिफिकल्ट वाले डिफिकल्ट में से आएंगे अगेन। अब उसके पास 5 क्वेश्चंस रह गए जिसमें से उसको 2 और सेलेक्ट करने हैं, तो 5C2। इसको जब मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 2C2 की वैल्यू 1 हो गई, 5C2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 जाइए तो टोटल आंसर आ जाएगा 5 2 10, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ 17 की बात करता हूं तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ 6 के 2 पार्ट्स हो गए जिसका ऐड करने पर 5 आएगा, 3 और 2। अब ये 6 प्लस में चाहिए तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज माइनस में रहेंगी, तो वैल्यू जो है एक्स की वो क्या आ जाएगी, सिंपली साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, 3 एंड 2 यहाँ पर जो है वैल्यूज आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। सम ऑफ द रूट्स मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी होती है एक्चुअल में ये ax² + bx + c = 0 होती है, तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a होता है, मतलब एक्स का कॉफिशियंट अपॉन में x² का कॉफिशियंट और उसके आगे माइनस का साइन। तो यहाँ पर मुझे सम ऑफ रूट्स जो है वो उसकी वैल्यू -1 दी हुई है, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट मतलब -2a+3 अपॉन में a+1, ठीक है, बराबर में ये दिया हुआ है मुझे -1 की। अब इसको सोल्व कर लो, -2a - 3 = a, -a - 1, क्योंकि -1 है तो मल्टीप्लाई होगा, 2a को इधर ले जाऊंगा तो ये +का a बन जाएगा, और 1 को यहाँ पे ले आऊंगा तो ये -2 बन जाएगा, क्योंकि -3 + 1 - 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड के मल्टीप्लिकेशन वाला, यू एंड वी वाला, तो dy/dx क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया 1 × e^x प्लस फिर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन e^x, तो e^x कॉमन आ गया, सिंपली रह गया 1 + x, तो e^x 1 + x, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पर इफ यहाँ पे सी एक्स और आर एक्स मुझे दिए हुए हैं कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन रेस्पेक्टिवली, द ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी फाइंड आउट व्हेन एक्स बीइंग द आउटपुट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कब निकल कर आता है, जब कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरीके से आपके जो मैथ्स का जो सेक्शन था 20 क्वेश्चन का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, सारे सॉल्यूशंस आपको बता दिए हैं, आप क्रॉस चेक करके अपने मार्क्स कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे के सॉल्यूशंस के लिए प्लीज ज्वाइन कीजिए वंस स्मार्ट क्लासेस लालकोटी जयपुर, ठीक
ठीक है, इसी तरीके से आपको चीजें मिलती रहेंगी। हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स भी चलते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको मॉक टेस्ट पेपर्स क्वेश्चंस में, एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स में से ही इंक्लूडेड आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वो हेल्पफुल रहेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं।